हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गांव की हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं पुराने डिलीवरी बेल्ट का रीयूज़ करने वाली हूं। तो देखिए, इस तरह से इसका वेलक्रो मैंने यहां पे थोड़ा सा पहले ही कट करके यूज़ किया है और इसकी जो इलास्टिक है वो ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये जो इसका फैब्रिक है वो अच्छा है, वेलक्रो भी अच्छा है यहाँ पर। तो आज मैं इससे 2 DIY बनाऊँगी। इसका फैब्रिक काफ़ी यहाँ पे स्पंजी बना रहता है, मोटा, इसके अंदर फोम लगा हुआ होता है। तो देखिए, इस तरह से जो ये सब एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। इसका यूज़ मैं बीच में करूँगी, पहले इस तरह से हम इसे कट करके साइड कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसके बाद हम इसकी जो इलास्टिक है यहाँ पर, ये भी कट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 2 पार्ट ये फैब्रिक का हमारा मिल चुका है। अब एक यहाँ पे हम ये जो रबर लगा हुआ है इसे लेंगे और इसे हम हाफ़ कट करेंगे, क्योंकि इससे हमें पाइपिंग बनाना है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने कट कर लिया। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए, इस तरह से पलट के फिर से हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से एक साइड हो गया। अब दूसरी साइड भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, दोनों साइड ये पाइपिंग रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो 2 इलास्टिक यहाँ पे बचा हुआ है, इसे हम इस तरह से पकड़ के और सिलाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये पॉकेट बन जाएगा। अब हम इसे देखिए ऐसे पलटेंगे और दोनों साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लग चुकी है और ये हमारा पॉकेट रेडी हो चुका है। यहाँ पे नीचे 2-3 पॉकेट बन गए हैं। और ये जो वेलक्रो का टुकड़ा मैंने कट किया था, इसे हम इस तरह से देखिए 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट में। तो ऊपर वाला और नीचे वाला देखिए, इस तरह से हम कट कर लेंगे। और इस तरह से हमें देखिए यहाँ पर इसे सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो इस तरह से आमने सामने हम रख कर सिलाई कर लेंगे। और देखिए, ये मैंने वेलक्रो अटैच कर दिया है और ये हमारा 2-3 पॉकेट यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप इसमें कोई भी छोटा मोटा चीज़ रख कर ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। यहाँ पे मैं सिलाई का सामान रख के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम घर में ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से। आप बच्चों का पेन पेंसिल वगैरह रखने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह से इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वेस्ट था ये, तो मैंने इसे आज रीयूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट आइडिया है, उसके लिए भी देखिए यहाँ पे मैं कट करके ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है साइड कर दूँगी। उसके बाद देखिए, हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बनने के बाद काफ़ी यूजफुल होते हैं। ऐसे छोटे छोटे DIY बहुत ज़रूरी होते हैं घर में, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद देखिए, हमें क्रॉस पट्टी इस तरह से कट करके ज्वाइंट कर लेनी है। और ज्वाइंट करने के बाद हमें इसे नीचे की साइड में रख कर रॉन्ग साइड से इसे सिलना है, फिर पलट के हमें राइट साइड पे इसे फिर से पाइपिंग की तरह अटैच करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। इस तरह से हमें अटैच कर लेना है, पहले रॉन्ग साइड, उसके बाद राइट साइड से। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमें पलटना है और सीधी साइड पर हमें सिलाई लगाते जाना है। ये बेल्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका था, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर 2 DIY तैयार किया है। और दोनों DIY काफ़ी यूजफुल हैं, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, इस तरह से मैंने इसे सिलाई कर दिया है, ये पाइपिंग की तरह रेडी हो चुका है। अब हम इसे देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और उल्टी साइड पर पलट कर देखिए इस तरह से हम साइड की सिलाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए साइड की सिलाई हो चुकी है। अब नीचे का पार्ट भी हम इसी तरह से सिलाई करके इसे भी क्लोज कर देंगे। तो देखिए, नीचे की साइड भी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे सीधी साइड पर पलट लेंगे। देखिए, पलटने के बाद ये जो मैंने इस तरह से कट करके साइड किया था, इसे हम लेंगे
और इसे हम जॉइंट कर देंगे तो ये एक हमारा हैंगर रेडी हो जाएगा। और इसके देखिए इसे पीछे इस तरह से हमें जॉइंट करना है। इसे यहाँ पे हमें थोड़ा मजबूत सिलाई करना है और इसे कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारा मोबाइल होल्डर रेडी हो चुका है। आप इसमें मोबाइल रख कर कहीं भी हैंग कर सकते हैं तो काफ़ी सेफ़ रहने वाला है आपका मोबाइल। और इसके नीचे फोम भी लगा रहता है तो बिल्कुल स्पंजी है, मोबाइल पे कोई क्रॉस भी नहीं आएगा। और इस तरह से एक मोबाइल होल्डर हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे जहाँ चार्जिंग करते हैं, अपना मोबाइल जहाँ चार्ज में लगाते हैं, वहाँ भी हैंग करके मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा 2 आइडिया, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।